हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं अगस्त 2022 करंट अफेयर, संपूर्ण करंट अफेयर है ये, और ये वन लाइनर है, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आइए देखते हैं किस तरह का सवाल यहाँ दिए गए हैं। पहला सवाल है, 1 अगस्त 2022 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक कौन बने हैं? जवाब होगा हिमांशु पाठक। अगला सवाल है, 1 अगस्त 2022 को किस राज्य सरकार ने 7 नए ज़िले बनाने का फैसला किया है? जवाब होगा पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है, 1 अगस्त 2022 को कहाँ चाबहार दिवस सम्मेलन शुरू हुआ है, ठीक है, तो इसका जवाब होगा मुंबई। अगला सवाल है, 1 अगस्त 2022 को दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन नियुक्त किए गए हैं? जवाब होगा संजय अरोड़ा। अगला सवाल है, 1 अगस्त 2022 को भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास विनबैक्स का तीसरा संस्करण चंडी मंदिर में शुरू हुआ? तो जवाब होगा वियतनाम। अगला सवाल है, 1 अगस्त 2022 को महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? जवाब होगा इंग्लैंड, उपविजेता जर्मनी है। अगला सवाल है, 1 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति ने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किया है? जवाब होगा तमिलनाडु। अगला सवाल है, 1 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? जवाब होगा मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। अगला सवाल है, 2 अगस्त 2022 को भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र द्वारा गठित टास्क फोर्स के प्रमुख कौन बने हैं? जवाब होगा VK पॉल। अगला सवाल है, 2 अगस्त 2022 को गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लानेट अभियान किसने शुरू किया? जवाब होगा WWF। अगला सवाल है, 2 अगस्त 2022 को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? जवाब होगा प्रतिभा रे। अगला सवाल है, 2 अगस्त 2022 को किस IIT ने बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किया? जवाब होगा IIT गुवाहाटी। अगला सवाल है, 2 अगस्त 2022 को ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? जवाब होगा केरल। अगला सवाल है, 2 अगस्त 2022 को किस देश की क्रिकेटर डिएंड्रा डॉल्टिन ने संन्यास की घोषणा की है? जवाब होगा वेस्ट इंडीज। अगला सवाल है, 2 अगस्त 2022 को किनकी 146वीं जयंती मनाई गई? जवाब होगा पिंगली वेंकैया। अगला सवाल है, 3 अगस्त 2022 को पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक बनी है? जवाब होगा मनीषा रोपेटा। अगला सवाल है, 3 अगस्त 2022 को किसे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम SS 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जवाब होगा सत्यनारायण मुंदयूर। अगला सवाल है, 3 अगस्त 2022 को 44वां शतरंज ओलंपियाड किसने जीता? जवाब होगा तान्या सचदेव। अगला सवाल है, 3 अगस्त 2022 को भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? जवाब होगा अगस्त तानो कुआमे। अगला सवाल है, 3 अगस्त 2022 को आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? जवाब होगा तमिलनाडु। अगला सवाल है, 3 अगस्त 2022 को किस देश में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल होगा? जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया, यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। अगला सवाल है, 3 अगस्त 2022 को भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने CWG 2022 में कौन सा पदक जीता है? जवाब होगा स्वर्ण। अगला सवाल है, 4 अगस्त 2022 के सूचना अनुसार दी लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर कौन स्थापित किया जाएगा? तो जवाब होगा सऊदी अरब। अगला सवाल है, 4 अगस्त 2022 को गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? जवाब होगा औरंगाबाद। अगला सवाल है, 5 अगस्त 2022 को अमेरिका की सीनेट ने किसे नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? जवाब होगा स्वीडन तथा फिनलैंड। अगला सवाल है, 5 अगस्त 2022 को स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए किस IIT ने DRDO के साथ साझेदारी की है? जवाब होगा IIT रुड़की। अगला सवाल है, 5 अगस्त 2022 को किस राज्य की खगोलीय वैधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वैधशालाओं में शामिल किया गया है? जवाब होगा बिहार, मुजफ्फरपुर के लंगत सिंह कॉलेज के खगोलीय वैधशाला। अगला सवाल है, 5 अगस्त 2022 के
घोषणा अनुसार विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर्य ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? जवाब होगा मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, 6 अगस्त 2022 को भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? जवाब होगा रानीखेत। अगला सवाल है, 6 अगस्त 2022 को किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू किया है? जवाब होगा की है तो उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, 6 अगस्त 2022 को गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? जवाब होगा कर्नाटक। अगला सवाल है, 6 अगस्त 2022 को जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? जवाब होगा वॉलमार्ट। अगला सवाल है, 7 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? ठीक है, यहाँ पर 2022 मैंने बोल दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया, ठीक है, होगा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। ठीक है, अगला सवाल है, 7 अगस्त 2022 को किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? जवाब होगा उत्तराखंड। अगला सवाल है, 7 अगस्त 2022 को भारत ने किस देश को हराकर SAFFU20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? तो जवाब होगा बांग्लादेश। अगला सवाल है, 7 अगस्त 2022 को कहाँ पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया? जवाब होगा कश्मीर। अगला सवाल है, 7 अगस्त 2022 को किसने आज़ादी की 75वीं वर्ष गांठ पर इंडिया की उड़ान पहल की शुरुआत की है? जवाब होगा संस्कृति मंत्रालय एवं गूगल। अगला सवाल है, 8 अगस्त 2022 को किस देश की सरकार द्वारा कन्नन सुंदरम को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जवाब होगा फ्रांस। अगला सवाल है, 8 अगस्त 2022 को किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? जवाब होगा गुरु दलाई लामा। अगला सवाल है, 8 अगस्त 2022 को किस देश ने अपना पहल चंद्रमा मिशन दानूरी को लॉन्च किया है? जवाब होगा दक्षिण कोरिया। अगला सवाल है, 8 अगस्त 2022 को CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? जवाब होगा नल्लाथंबी कलाई सेल्वी। अगला सवाल है, 8 अगस्त 2022 को भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? जवाब होगा वी प्रणव। अगला सवाल है, 8 अगस्त 2022 को किसे मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है? जवाब होगा आर्या बालवेकर, वर्जीनिया की भारतीय अमेरिकी। अगला सवाल है, 9 अगस्त 2022 के सूचना अनुसार पाथ टू प्राइड थीम के साथ डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो जवाब होगा गांधीनगर, गुजरात। अगला सवाल है, 9 अगस्त 2022 को किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? जवाब होगा इजराइल। अगला सवाल है, 9 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय मंडल खेल 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया, भारत का स्थान 4था है। 10 अगस्त 2022 को AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021-22 कौन बने हैं? जवाब होगा सुनील छेत्री तथा मनीषा कल्याण। अगला सवाल है, 10 अगस्त 2022 को जुलाई का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? जवाब होगा प्रभात जयसूर्या श्रीलंका एवं एम्मा लैम्प इंग्लैंड। अगला सवाल है, 10 अगस्त 2022 को किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? जवाब होगा मनोज प्रभाकर। अगला सवाल है, 11 अगस्त 2022 को ICC महिला T20 खिलाड़ी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है? तो जवाब होगा बैथ मुनी ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल है, 11 अगस्त 2022 को 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? जवाब होगा कांस्य। अगला सवाल है, 11 अगस्त 2022 को किस राज्य ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया है? जवाब होगा आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है, 12 अगस्त 2022 को UEFA सुपर कप 2022 का फाइनल मुकाबला किसने जीता है? जवाब होगा रियल मैड्रिड। उपविजेता आइंट्रच। अगला सवाल है, 12 अगस्त 2022 को UEFA सुपर कप 2022 का फाइनल मुकाबला किसने जीता है? तो जवाब होगा रियल मैड्रिड। उप विजेता हैं आइंट्राच्ट फ्रैंकफर्ट। अगला सवाल है, 12 अगस्त 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जवाब होगा यूक्रेन। ठीक है, पर है तो यूक्रेन होगा। ठीक है, अगला सवाल है, 12 अगस्त 2022 के सूचना अनुसार किस नेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? जवाब होगा या जाएगा तो शशि थरूर। अगला सवाल है, 13 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? जवाब होगा विश्व
अंगदान दिवस। अगला सवाल है, 13 अगस्त 2022 को किस राज्य को अगस्त्य मलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है? जवाब होगा तमिलनाडु। अगला सवाल है, 13 अगस्त 2022 को किसने नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया? जवाब होगा इसरो। अगला सवाल है, 13 अगस्त 2022 को किसने स्माइल 75 पहल शुरू की है? जवाब होगा सामाजिक न्याय मंत्रालय। अगला सवाल है, 13 अगस्त 2022 को लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? जवाब होगा मरीना तबस्सुम। अगला सवाल है, 14 अगस्त 2022 को केंद्र सरकार ने कॉर्बेवैक्स नामक वैक्सीन की बूस्टर डोज को मंजूरी दी है, इसका निर्माण किसने किया है? जवाब होगा बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, हैदराबाद तेलंगाना। अगला सवाल है, 14 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? जवाब होगा मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, 14 अगस्त 2022 को किस राज्य में धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है? जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल है 14 अगस्त 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो जवाब होगा विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस। अगला सवाल है, 15 अगस्त 2022 को किस बैंक ने उत्सव सावधि जमा योजना शुरू किया? जवाब होगा SBI। अगला सवाल है, 15 अगस्त 2022 को श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह पर किस देश के शोध जहाज को डॉक करने की अनुमति दी है? जवाब होगा चीन। अगला सवाल है, 15 अगस्त 2022 को किस देश ने श्रीलंकाई नौसेना को डोर्निडर अगला सवाल है 15 अगस्त 2022 को किस देश ने श्रीलंकाई नौसेना को डॉर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? जवाब होगा भारत। अगला सवाल है, 15 अगस्त 2022 को किस राज्य में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू हुई है? जवाब होगा जम्मू कश्मीर। 16 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो जवाब होगा 1082। अगला सवाल है, 16 अगस्त 2022 को किसे नेट ग्रिड का CEO नियुक्त किया गया? जवाब होगा पीयूष गोयल। अगला सवाल है, 16 अगस्त 2022 को किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को सितारा इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया? जवाब होगा बाबर आजम। अगला सवाल है, 16 अगस्त 2022 को किसने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू किया? जवाब होगा RPF। अगला सवाल है, 16 अगस्त 2022 को एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप कहाँ शुरू हुआ है? जवाब होगा कोलकाता बेंगलुरु FC। ठीक, अगला सवाल है, 16 अगस्त 2022 को सभी महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो जवाब होगा स्कॉटलैंड। अगला सवाल है, 16 अगस्त 2022 को किस राज्य के तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है? जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल है, 16 अगस्त 2022 को फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया? जवाब होगा भारत। अगला सवाल है, 16 अगस्त 2022 को कौन सा देश ओमिक्रॉन वेरियंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बन गया? जवाब होगा ब्रिटेन। अगला सवाल है, 17 अगस्त 2022 को किसने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया? जवाब होगा अरविंद केजरीवाल। अगला सवाल है, 17 अगस्त 2022 को भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक कहां आयोजित की हुई थी? तो जवाब होगा जवाब होगा बैंकॉक थाईलैंड। अगला सवाल है, 17 अगस्त 2022 को भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया कहाँ विकसित हुआ? जवाब होगा हैदराबाद। अगला सवाल है, 17 अगस्त 2022 को इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न IFFM अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? जवाब होगा रणवीर सिंह। अगला सवाल है, 17 अगस्त 2022 को किस देश के क्रिकेटर केविन ओ ब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? जवाब होगा आयरलैंड। अगला सवाल है, 17 अगस्त 2022 को किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? जवाब होगा कर्नाटक। अगला सवाल है, 17 अगस्त 2022 को वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया? जवाब होगा रतन टाटा। अगला सवाल है, 17 अगस्त 2022 को एशिया का सबसे बड़ा कन्फ्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का संचालन कहाँ में शुरू हुई है? कहाँ शुरू हुआ है? तो जवाब होगा संगरूर पंजाब। अगला सवाल है, 17 अगस्त 2022 को स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल किस राज्य ने शुरू किया? जवाब होगा उत्तराखंड। अगला सवाल, 18 अगस्त 2022 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? जवाब होगा राजस्थान। अगला सवाल, 18 अगस्त 2022 को चौथी भारत
फिलीपींस सामरिक वार्ता कहाँ आयोजित की गई? जवाब होगा मनीला। अगला सवाल है, 18 अगस्त 2022 को किस राज्य सरकार ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है? जवाब होगा असम। अगला सवाल है, 18 अगस्त 2022 को संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? जवाब होगा साइमन स्टील, ग्रेनेडा के पूर्व मंत्री। अगला सवाल है, 18 अगस्त 2022 को किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य के लंदन स्थित घर को ब्लू प्लैक सम्मान मिला है? तो इसका जवाब होगा दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल है, 18 अगस्त 2022 को किसे जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुना गया? जवाब होगा गुरदीप रंधावा। अगला सवाल है, 18 अगस्त 2022 को किस राज्य में ड्रोन द्वारा आसमान से दवा का सफल प्रक्षेपण किया गया? तो जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल है, 18 अगस्त 2022 को SBI ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा कहाँ खोली है? जवाब होगा बेंगलुरु। अगला सवाल, 18 अगस्त 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया है? तो जवाब होगा सिक्किम। अगला सवाल है, 19 अगस्त 2022 को देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर AC बस कहां शुरू की हुई है? तो जवाब होगा मुंबई। अगला सवाल है, 19 अगस्त 2022 को किस राज्य का आदिवासी बहुल मंडला ज़िला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? जवाब होगा मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, 19 अगस्त 2022 को किस राज्य का आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? जवाब होगा मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, 19 अगस्त 2022 को UEFA महिला चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बन गई है? जवाब होगा मनीषा कल्याण। अगला सवाल है, 19 अगस्त 2022 को HDFC बैंक ने कहाँ केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है? जवाब होगा कोझिकोड, केरल। अगला सवाल है, 19 अगस्त 2022 को पेटीएम ने POS उपकरण लगाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? जवाब होगा सैमसंग। अगला सवाल है, 19 अगस्त 2022 को हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? जवाब होगा गोवा। अगला सवाल है, 19 अगस्त 2022 को किस बैंक ने भारतीय खाद्य निगम के साथ समझौता पत्र का हस्ताक्षर किए हैं? जवाब होगा एक्सिस बैंक। अगला सवाल है, 19 अगस्त 2022 को किस राज्य सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? जवाब होगा महाराष्ट्र। अगला सवाल है, 20 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो जवाब होगा विश्व मच्छर दिवस। 20 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मच्छर दिवस, ठीक है। अगला सवाल है, 20 अगस्त 2022 को बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? जवाब होगा झारखंड। अगला सवाल है, 20 अगस्त 2022 के सूचना अनुसार 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहां आयोजित किया जाएगा? तो जवाब होगा इंदौर, मध्य प्रदेश। और 16वां जो है वो है नई दिल्ली में हुई थी, ठीक है। 20 अगस्त 2022 को किस राज्य के पहले आदिवासी उपन्यासकार नारायण का निधन हुआ है? जवाब होगा केरल। अगला सवाल है, 20 अगस्त 2022 के सूचना अनुसार भारत किस देश के 6 TU-160 लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदेगा? जवाब होगा रूस। अगला सवाल है, 20 अगस्त 2022 को भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कौन बन गई? जवाब होगा विस्तारा। अगला सवाल है, 20 अगस्त 2022 को किस देश ने पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है? जवाब होगा पाकिस्तान। अगला सवाल है, 20 अगस्त 2022 को विश्व U20 चैंपियनशिप 2022 में किस महिला पहलवान ने रजत पदक जीता है? जवाब होगा प्रिया मलिक। अगला सवाल है, 20 अगस्त 2022 को मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला निदान नामक पोर्टल किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो जवाब होगा NCB। अगला सवाल है, 20 अगस्त 2022 को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री का की जयंती पर अगला सवाल है 20 अगस्त 2022 को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया गया? जवाब होगा राजीव गांधी। अगला सवाल है, 21 अगस्त 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? जवाब होगा विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। अगला सवाल है, 21 अगस्त 2022 को किस देश ने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? जवाब होगा USA। अगला सवाल है, 21 अगस्त 2022 को किसने भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड पेश किया है? जवाब होगा एडलवाइस
म्यूचुअल फंड। अगला सवाल है, 21 अगस्त 2022 को किस कंपनी को एशियाज बेस्ट एम्प्लायर ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जवाब होगा NTPC। अगला सवाल है, 21 अगस्त 2022 को स्कॉटलैंड संग्रहालय ने भारत को कितनी प्राचीन कलाकृतियां लौटाने के लिए समझौता किया है? जवाब होगा 7। अगला सवाल है, 21 अगस्त 2022 को चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? जवाब होगा शहीद भगत सिंह। अगला सवाल है, 22 अगस्त 2022 को किस राज्य के मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया गया है? जवाब होगा बिहार। अगला सवाल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बिहार से रिलेटेड है, ये आपको पूछ सकता है। अगला सवाल है, 22 अगस्त 2022 की सूचना अनुसार 65वां राष्ट्रीय मंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? जवाब होगा कनाडा। अगला सवाल है, 22 अगस्त 2022 को क्रिप्टो कप में आर प्रज्ञानंद ने किसे हराया है? जवाब होगा मैग्नस कार्लसन। अगला सवाल है, 22 अगस्त 2022 को मोक्ष धाम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। और शमशान घाटों को विकसित, ठीक है, इसके अंदर होता है मोक्ष धाम योजना जो होता है उसके अंदर ये आता है, ठीक है। अगला सवाल है, 22 अगस्त 2022 को बिल गेट्स फाउंडेशन ने किसे अपने न्यासी बोर्ड में नामित किया है? जवाब होगा आशीष धवन। अगला सवाल है, 22 अगस्त 2022 के सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित की करेगी? जवाब होगा उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, 22 अगस्त 2022 को भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ लॉन्च हुई है? जवाब होगा पुणे। अगला सवाल है, 22 अगस्त 2022 को विश्व मंत्री SJ शंकर ने कहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? जवाब होगा पराग्वे। अगला सवाल है, 23 अगस्त 2022 को नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? जवाब होगा ईरान। अगला सवाल है, 23 अगस्त 2022 को किस देश की सेना ने कर्नल अब्दुल्लाई माइगा को अपना आंतरिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? जवाब होगा माली। अगला सवाल है, 23 अगस्त 2022 को U18 चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता? जवाब होगा कांस्य। अगला सवाल है, 23 अगस्त 2022 के सूचना अनुसार SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? जवाब होगा ताशकंद। अगला सवाल है, 23 अगस्त 2022 को भारत ने किस नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया? जवाब होगा गरबा। अगला सवाल है, 27 अगस्त 2022 को सिल्क पार्क एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जवाब होगा नई दिल्ली। अगला सवाल है, 23 अगस्त 2022 को इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग में 2022 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता है? जवाब होगा फहमीदा अजीम बांग्लादेश। अगला सवाल है, 23 अगस्त 2022 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जवाब होगा ईरान। अगला सवाल है, 24 अगस्त 2022 को किस देश के राष्ट्रीय पति को लिबर्टी मेडल 2022 दिया जाएगा? जवाब होगा यूक्रेन। अगला सवाल है, 24 अगस्त 2022 को U20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? जवाब होगा जापान। अगला सवाल है, 24 अगस्त 2022 की सूचना अनुसार भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया जाएगा? जवाब होगा लखनऊ। अगला सवाल है, 24 अगस्त 2022 को DRDO और भारतीय नौसेना ने VLS RSM मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया है? जवाब होगा ओडिशा। अगला सवाल है, 24 अगस्त 2022 को जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किस ग्रह की नई तस्वीरें खींची है? जवाब होगा बृहस्पति। अगला सवाल है, 24 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया? जवाब होगा फरीदाबाद। अगला सवाल है, 24 अगस्त 2022 को अडानी समूह ने NDTV में कितने फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? जवाब होगा 29.2%। अगला सवाल है, 24 अगस्त 2022 को HPCL ने गोबर से संपीड़ित अपने पहली बायोगैस परियोजना को कहाँ शुरू किया है? जवाब होगा सांचोर जालोर जिला राजस्थान। अगला सवाल है, 24 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? जवाब होगा पंजाब। अगला सवाल है, 25 अगस्त 2022 को हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है? जवाब होगा जर्मनी। अगला सवाल है, 25 अगस्त 2022 को किस बैंक में क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए टाटा न्यू के साथ साझेदारी की है? ठीक है, जवाब होगा HDFC बैंक। अगला सवाल है, 25 अगस्त 2022 को अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के फेलो के रूप में किसे चुना गया है? तो जवाब होगा NV सुंदरा। 25 अगस्त 2022 को किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर
0.81 का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। जवाब होगा दक्षिण कोरिया। अगला सवाल है 25 अगस्त 2022 को भारतीय रेलवे द्वारा सबसे लंबी मालगाड़ी 3.5 किलोमीटर का परीक्षण किया गया, उसका नाम क्या है? जवाब होगा सुपर वासुकी। अगला सवाल है 25 अगस्त 2022 को न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? जवाब होगा एम वेंकैया नायडू। अगला सवाल है 25 अगस्त 2022 को किसने शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार जीता है? जवाब होगा एंजेला मार्केल। अगला सवाल है मर्केल, ठीक है, एंजेला मर्केल। अगला सवाल है 26 अगस्त 2022 को कहाँ के अनंगताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? जवाब होगा दिल्ली। अगला सवाल है 26 अगस्त 2022 के सूचना अनुसार किसे हिंदी भाषा में प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया जाएगा? जवाब होगा भगवंत अनमोल। अगला सवाल है 26 अगस्त 2022 को किसे IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? जवाब होगा KV सुब्रमण्यम। अगला सवाल है 26 अगस्त 2022 को किस राज्य में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला पाया गया है? जवाब होगा केरल। अगला सवाल है 27 अगस्त 2022 के सूचना अनुसार भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां बन रहा है? जवाब होगा बेंगलुरु। अगला सवाल है 27 अगस्त 2022 को पूरी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट कौन बने हैं? जवाब होगा माइक रदरफोर्ड। अगला सवाल है 27 अगस्त 2022 को भारत ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? जवाब होगा 2070 तक। अगला सवाल है 27 अगस्त 2022 से 15वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कहां शुरू हुआ है? जवाब होगा UAE। पहला मैच श्रीलंका एवं अफगानिस्तान के बीच। अगला सवाल है 27 अगस्त 2022 को लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? जवाब होगा नीरज चोपड़ा। अगला सवाल है 27 अगस्त 2022 को कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात माओन की चपेट में आया है? जवाब होगा फिलीपींस राय, ठीक है। अगला सवाल है 27 अगस्त 2022 को देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? जवाब होगा उदय उमेश ललित, UU ललित, ठीक है। अगला सवाल है 28 अगस्त 2022 को मारबत उत्सव कहाँ मनाया गया? जवाब होगा नागपुर। अगला सवाल 28 अगस्त 2022 को देश के लिए 100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? जवाब होगा विराट कोहली। अगला सवाल है 28 अगस्त 2022 को रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम किस देश में 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण शुरू करेगी? जवाब होगा हंगरी। अगला सवाल है 29 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? जवाब होगा राष्ट्रीय खेल दिवस। अगला सवाल है 29 अगस्त 2022 को यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? जवाब होगा करीम बेंजेमा एवं एलेक्सिया पुटेलस। अगला सवाल है 29 अगस्त 2022 को जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? जवाब होगा तमिलनाडु। अगला सवाल है 29 अगस्त 2022 को भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार का 13वां संस्करण कहां में संपन्न हुआ? जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल है 29 अगस्त 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? जवाब होगा आदिल सुमरीवाला। अगला सवाल है 29 अगस्त 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ के अंतिम अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? जवाब होगा आदिल सुमरीवाला। अगला सवाल है 30 अगस्त 2022 को भारतीय जूडो खिलाड़ी लिंथोई चरम्बम ने कैडेट विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? जवाब होगा स्वर्ण। अगला सवाल है 30 अगस्त 2022 को किस राज्य को 100 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? जवाब होगा नागालैंड। अगला सवाल है 30 अगस्त 2022 को T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? जवाब होगा रोहित शर्मा। अगला सवाल है 30 अगस्त 2022 को नीति आयोग ने कहां 500 अटल टिंगरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है? जवाब होगा जम्मू एंड कश्मीर। अगला सवाल है 30 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां देश का पहला भूकंप स्मारक समर्पित किया? जवाब होगा गुजरात के भुज में। अगला सवाल है 31 अगस्त 2022 को नेशनल 31 अगस्त 2022 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक कौन बने हैं? जवाब होगा देवाशीषा शीशा मोहंती। अगला सवाल है, 31 अगस्त 2022 को किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? जवाब होगा भोपाल मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, 31 अगस्त 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? जवाब होगा जेम्स एंडरसन इंग्लैंड। अगला सवाल है, 31 अगस्त 2022 को मिस दिव्या यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? जवाब होगा दिविता राय कर्नाटक। इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन। अगर बोलने में कोई दिक्कत हो गई हो तो उसे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में आपको बता रहा था कि किस तरह का सवाल है और किस तरह का जवाब है, ठीक है? तो इसे माफ़ कीजिएगा। बने रहे हमारे साथ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।